और खबर बंगाल से, कोलकाता की कोर्ट ने ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय के नार्को टेस्ट की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर ट्रेनी डॉक्टर्स का अभी भी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकलता नहीं दिख रहा। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ विभिन्न मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य भवन के सामने बारिश के बावजूद डॉक्टरों का धरना जारी है। वहीं विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रेनी डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन में अभय क्लिनिक शिविर शुरू किया, जहां वो जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सहायता मुहैया करा रहे हैं। इस बीच 12 सितंबर को तीसरी बार ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच चर्चा नहीं हो सकी, जिससे डॉक्टरों के आंदोलन को सुलझाने की कोशिश एक बार फिर विफल हो गई। हालांकि तीसरी कोशिश नाकाम होने पर ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश की थी। डॉक्टरों ने गुरुवार को ममता बनर्जी के साथ बैठक नहीं होने पर कहा कि उनकी मांगे जायज थीं और वो बैठक को पारदर्शिता के साथ सीधा प्रसारण चाहते थे। हमारा जो बेसिक डिमांड था, एक मीटिंग का जो फॉर्मल वे है, लाइव स्ट्रीमिंग मांगे हैं, लेकिन हम लोग उसका वजह भी बोले है जो इसका क्यों हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इसको एग्री नहीं हुआ। ऐसा वैसा ऐसे ही बोलते हैं तो बोल देते हो बहुत कुछ, लेकिन होता तो कुछ नहीं। वो लाइव टेलीकास्ट भी कैंसिल कर दिया। हम लोग चाहते कि हम लोग का जो मीटिंग हो वो सबके सामने, पूरा गवर्नमेंट के सामने, सबके सामने हो, सब देखेगा, पूरा जनता जो है उसके सामने देखने के लिए, बस यही बात है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने मौजूदा हालात के लिए पहली बार माफी मांगी है। मुख्यमंत्री ने साथ ही ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने का आह्वान किया। इस बीच भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार बेटी बचाओ के बजाय सबूत मिटाओ, सत्य को छुपाओ, बलात्कार बचाओ में लिप्त रही है और उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी जी ने केवल और केवल निर्ममता का परिचय दिया है और लगातार जिस प्रकार से उनकी सरकार ने बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य को छुपाओ और बलात्कारी बचाओ किया है, ममता बनर्जी जी को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। इससे पहले गुरुवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस मामले के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की है। राज्यपाल ने कहा कि जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक वो मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। I resolve that I will socially boycott the chief minister. I will socially boycott the chief minister. Socially boycott means I will not be sharing any public platform with the chief minister. Nor will I participate. वहीं ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी, जिसको लेकर आरोपी ने असहमति जताई, जिसके चलते कोर्ट ने संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराने की मांग को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको दिखाते हैं।